सभी को जोहार। और आ चुके हैं और एक भारी बहाली के साथ, जो कि झारखंड की जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का बहाली बहुत ही शानदार बहाली आ चुका है। सिंपली वीडियो पे बने रहे, ऑनलाइन आवेदन चल रहा है, तो पूरा इसकी जानकारी मैं इसी वीडियो में दूंगा, तो आपको बिना स्किप किए वीडियो को देखना है ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि भारी बहाली आ चुका है, यहाँ पे जेएसएससी का तरफ से है, और मैं इसको आपको पूरा ही पूरा बताऊंगा। इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं, वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो परीक्षा की शुल्क है वो हम लोग परीक्षा की शुल्क 100 रुपया यहाँ पे परीक्षा का शुल्क दिया गया है, और जो कि एसटीएससी जो कि छूट वगैरह मिलता है अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के लिए, उसकी 50 रुपये यहाँ पे शुल्क रखी गई है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा पोस्ट जो कि है यहाँ पे देख सकते हैं सहायक अनुसंसाधन पदाधिकारी एवं सक्षम, ये भाई एक पोस्ट है। और फिर आगे पोस्ट देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट दी गई है। यहाँ पे टोटल जो संख्या दी गई है यहाँ पे 8 दी गई है, देख सकते हैं यहाँ पे 8 दी गई है। और उसके बाद चलिए देखते हैं कौन सी पोस्ट आती है। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट का नाम है यहाँ पे पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष, यहाँ पे देख सकते हैं उसकी टोटल जो है यहाँ पे पोस्ट 26 पोस्ट दी गई है। चलिए आगे देखते हैं फिर कौन सी पोस्ट है हमारे, यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट दी गई है। यहाँ पे अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष यहाँ पे दी गई है, और इसकी टोटल 14 पोस्ट है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दी गई हमारी संख्यांकीय सहायक एवं समकक्ष, इसकी 28 पोस्ट दी गई है। और फिर आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं कौन सी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी जो कि इसके लिए दी गई है वो टोटल 308 पोस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं 308 पोस्ट दी गई है। आप बाकी आप जो भी पोस्ट के बारे में पूरा जानना है उसके लिए आप सिंपली पॉज करके आप देख सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सी पोस्ट दी गई है। यहाँ पे निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी टोटल 28 पोस्ट दी गई है। और फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या आता है इसके बाद। भूतात्विक विश्लेषण, इसकी टोटल 30 पोस्ट दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं 30 पोस्ट दी गई है। और फिर इसके बाद देखते हैं कौन सी आती है। इसके बाद हमारी है यहाँ पे देख सकते हैं सहायक अधिकक्ष एवं समकक्ष, इसकी टोटल 46 पोस्ट दी गई है। और आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे फिर से आज को पर्यावेक्ष एवं समकक्ष, इसकी टोटल 4 पोस्ट दी गई है। यहाँ पे टोटल आपका जो है 494 पोस्ट दिया गया है। इस बार इसकी बहाली बहुत ही जोरों शोरों से होगी, क्योंकि भाई इसे अप्लाई करने के लिए आपको स्नातक होना ज़रूरी है, और स्नातक मतलब कि ग्रेजुएशन होना आपको ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या कुछ आता है अपना। तो इसके बाद आप देख सकते हैं जितने भी अपना पदनाम है वो सब पदनाम देख सकते हैं, और इसके लिए क्या ज़रूरत है उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है, ये यहाँ पे जो कि डिग्री आपको चाहिए वो सारे दिए गए हैं, तो आप सिंपली वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं क्या कुछ आता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे भी सारा पोस्ट का आपको क्या कुछ ज़रूरत पड़ेगा उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको इसकी नोटिस चाहिए तो सिंपली आप हमको मैसेज कर सकते हैं, जो कि आप इंस्टाग्राम आईडी पे, या फिर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका नोटिस जो कि नोटिफिकेशन आया है उसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए सिंपली फिर आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं जितने भी पोस्ट दिए गए हैं उसका नाम यहाँ पे दिया गया है, सारा का सारा यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया गया। और इधर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर सारा का मान्यता क्या क्या होना चाहिए, आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या कुछ आता है अपना देखते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि आयु की सीमा वो न्यूनतम मतलब कि कम से कम आपका 21 वर्ष होना ज़रूरी है, उसके लिए इस डेट का निर्धारित किया गया है, इसी तारीख से आपकी एज की काउंट की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपका मैक्सिमम वर्ष कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका कितना होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए आपका अनुसूचित जाति जनजाति महिला पुरुष सबका यहाँ पे दिया गया। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जो भी लोग हैं महिला पुरुष उसके लिए 40 वर्ष तक मतलब उसके लिए अधिकतम आयु सीमा रखी गई वो 40 वर्ष है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं कि आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगने वाला है उसके लिए देख सकते हैं कि निवास प्रमाण पत्र एकदम जरूरी है। उसके लिए डेट्स देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का होना चाहिए, इससे ज़्यादा उसके बाद का अगर होगा तो वो
वैलिड किया जाएगा, लेकिन उससे पहले का नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। यहाँ पर जो कि है जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, उसका भी डेट निर्धारित किया गया है। और फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन का आप संशोधन कब से कब तक कर सकते हैं, वो 21 फरवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 के मध्य रात्रि तक आप इसका संशोधन कर सकते हैं। कोई भी आपका भूल त्रुटि हो या फिर फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई भी गलती होती है तो उसका आप यहां पे सुधार कर सकते हैं। यहां पे ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि निर्धारित है 16 जनवरी 2024 से ये स्टार्ट हो चुका है और ये 15 फरवरी 2024 के मध्य रात्रि तक किया जाएगा इसका रजिस्ट्रेशन। और यहां पे फी का जो भुगतान है वह 17 फरवरी 2024 तक इसका मध्य रात्रि तक आपका फ़ी का भुगतान किया जाएगा। और यहाँ पे फोटो सिग्नेचर और जो कि अपलोड करने का प्रिंट आउट करने का उसका तिथि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 19 फरवरी 2024 तक इसकी मध्य रात्रि तक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि आवेदन कर सकते हैं आप, वो उसका सुधार यहाँ पे इतना से इतना तक कर सकते हैं, मतलब 21 फरवरी जो कि पहले मैंने बताया से 21 फरवरी से 22 फरवरी तक के बीच में। आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ आपको डाउट है तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें ज़रूर। अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी सीखने को मिली है तो सिंपली आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।